हम एडवर्ब की बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कुछ एडवर्ब्स हैं उनका किन खास परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, जैसे प्रैक्टिकली था, ऑलमोस्ट था, नियरली था। लास्ट अपन यही किया था कि उनका कैसा प्रयोग करते हैं, राइट। उसी कैटेगरी में हम आगे टिकअप करते हैं। आज हम फिर दो एडवर्ब्स लेते हैं, लॉन्ग एंड फार। देखने में बहुत छोटे से शब्द हैं, दोनों का मीनिंग भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इनके यूज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और बस उसी यूज की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, हैव यू बीन वेटिंग लॉग, हैव यू बीन वेटिंग लॉग। आप इस सेंटेंस को देखिए आप और पहचानिए कि इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट। बताइए, सेंटेंस सही है कि गलत है? Have you been waiting long? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो उसका अंग्रेजी में मैंने एक लिखा, Have you been waiting long? Is it correct or incorrect? सोचिए आराम से, Have you been waiting long? Is it correct or incorrect? अच्छा, incorrect क्यों लग रहा है आपको, कोई वजह? चलो अपन टेकअप करते हैं दूसरा सेंटेंस। दे हैवंट बीन वेटिंग लॉन्ग, दे हैवंट बीन वेटिंग लॉन्ग। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, इज इट करेक्ट? They haven't been waiting long. चलो अपन next sentence देखते हैं। I have had to wait. I have had to wait long. मुझे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। I have had to wait long. मुझे लंबे समय तक इंतजार करना। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन है आपके पास, नन। और जो क्वेश्चन है इसके लिए वो है, विच इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है, पहचानिए। हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, दे हैवंट बीन वेटिंग लॉन्ग, आई हैव हैड टू वेट लॉन्ग, नन। कौन सा गलत है इनमें से? ये कोई भी गलत नहीं है। कोई गलत है या गलत नहीं है? शुड वी प्रोसीड? चलो अपन एक और सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम टेकअप करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। लेट्स सी, क्वेश्चन वही है, विच इज इनकरेक्ट। लेट्स गो बैक, We have walked far. Let's go back. We have walked far. Meaning तो आप समझ ही रहे होंगे। Let's go back. We have walked far. चलो वापस चलते हैं, हम बहुत दूर आ गए। Let's go back. We have walked far. बहुत दूर आ गए, चलो वापस लौट चलते हैं। Got the point? Next, is it far from here? 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 क्या वो यहां से बहुत दूर है? ठीक है, नंबर थ्री, They have not gone far. वो बहुत दूर नहीं गए। They haven't gone far. वो बहुत दूर नहीं गए। आपको देखो, जो भी सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आया, आप पूछ लेना, ठीक है ना? पहला सेंटेंस, लेट्स गो बैक, वी हैव वॉक्ड फार। चलो वापस चलते हैं, बहुत दूर आ गए।
सेकेंड सेंटेंस इज इट फार फ्रॉम हियर, कि यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ से दूर है, एंड दे हैव नॉट गॉन फार, वो बहुत दूर नहीं गए, गॉट द पॉइंट। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है नन, तो ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए इनमें से कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए लिखिए अब नीचे, लॉन्ग और फार, देखिए लॉन्ग और फार दोनों का प्रयोग एडवर्ब में, दोनों का प्रयोग एडवर्ब के लिए या एडवर्ब के रूप में, दोनों का प्रयोग एडवर्ब के रूप में केवल नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में होता है, केवल नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में होता है। व्हाट डज इट मीन कि टू लॉन्ग और फार जो है वो एडवर्ब होते हैं केवल इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग और फार का प्रयोग डेक्लेरेटिव, पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में नहीं होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका कि फार और लॉन्ग का प्रयोग पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में सामान्यतः तो नहीं होता है, गॉट द पॉइंट। तो नीचे ये लाइन भी लिख लीजिए नॉट डाल करके, आप इस तरह से ही लिखिएगा, देखिए आप लॉन्ग ऑब्लिक फार का प्रयोग, लॉन्ग ऑब्लिक फार का प्रयोग पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में एडवर्ब के रूप, पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में नहीं होता है, एडवर्ब के रूप में नहीं होता है, गॉट द पॉइंट। वो एडवर्ब के रूप में नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है और इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। तो अब आप देखिए सेंटेंसेस में देखेंगे तो यहाँ पर फार जो है वक्त के लिए आ रहा है और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव है, डेक्लेरेटिव है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है अंत में फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है लास्ट में फुल स्टॉप, ऐसे सेंटेंस को डेक्लेरेटिव कहते हैं। और अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, नेगेटिव नहीं है। और यहाँ इस पॉजिटिव सेंटेंस में आपने फार का प्रयोग किस तरह से कर दिया, वर्ब के लिए कर दिया, तो एडवर्ब हो गया ना एडवर्ब, जो कि होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है, गॉट द पॉइंट। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, इंटरगेटिव सेंटेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस में ठीक है, ये सेंटेंस देखिए आप नेगेटिव है, नेगेटिव में ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया। चलो फर्स्ट सेंटेंस का देखते हैं, पर आप बताइए फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा गलत है। बिल्कुल, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, यहाँ लॉन्ग का प्रयोग आप एडवर्ब के लिए कर रहे हैं, जो कि गलत है। बाकी सेंटेंस देखिए इंटरगेटिव है, लॉन्ग का प्रयोग हो जाएगा, ये नेगेटिव है, लॉन्ग का प्रयोग हो जाएगा। इज दैट ओके, शुड वी प्रोसीड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कॉमन सेंस का है कि अगर इसको सही करना हो तो क्या कर, ये तो गलत हो गया, हमें तो इसे सही करना है, तो सही कैसे करेंगे। नहीं नहीं, वो तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने लंबे समय तक इंतजार किया तो नॉट क्यों लगा दूँ, मैंने तो इंतजार किया। तो अगर मान लीजिए इनको पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज करना है, तो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये केवल एडजेक्टिव होते हैं, तो हमें इन्हें एडजेक्टिव में चेंज कर देना। और एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो जब आप इस सेंटेंस को लिखेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब ये लॉन्ग टाइम में चेंज हो गया, लॉन्ग टाइम में लॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टाइम के लिए आ रहा है, गॉट द पॉइंट। इसी तरह से अगर आपको इसको चेंज करना है तो बताइए इसको क्या करेंगे, इस सेंटेंस को वी हैव वॉक्ड फार, वो कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। या फिर आप ये कहेंगे वी हैव वॉक्ड ए लॉन्ग वे। फार जब पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो ए लॉन्ग वे में चेंज हो जाता है, ए लॉन्ग वे, ठीक है। वी हैव वॉक्ड ए लॉन्ग वे, शुड बी प्रोसीड ना, प्रोसीड कर रहे हैं अपन लोग। चलो नेक्स्ट देखिए,
अगेन एक क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट. आई वॉज अनॉयड बिकॉज आई हैड टू वेट टू लॉन्ग. आई हैड टू वेट, यहां सो लॉन्ग कीजिएगा. द स्पीच वेंट ऑन टू लॉन्ग. We have walked far enough. Again a question. I was annoyed because I had to wait so long. The speech went on too long. We have walked far enough. I was annoyed because I had to wait so long. The speech went on too long. We have walked far enough. And none. मीनिंग सबका समझ आ रहा है? मीनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? बड़े छोटे छोटे हम सेंटेंसेस ले रहे हैं जहाँ कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ताकि आप बाकी चीज़ें आराम से समझ सकें. जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं उसी पर आप फोकस करें. पहले सेंटेंस में आई वॉज अनॉयड, अनॉयड मीन्स नाराज होना. मैं नाराज था बिकॉज I had to wait so long. मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, द स्पीच वेंट ऑन टू लॉन्ग. भाषण लंबा ही, बहुत लंबा चलता रहा, राइट. थर्ड सेंटेंस है, वी हैव वॉक्ड फार इनफ. हम बहुत दूर आ गए. देखिए तीनों सेंटेंसेस को अगर आप देखेंगे तो पहले सेंटेंस में लॉन्ग एडवर्ब है, दूसरे सेंटेंस में भी लॉन्ग एडवर्ब है, तीसरे सेंटेंस में फार एडवर्ब है. अभी अपन ने टेकअप किया कि पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लॉन्ग और फार का प्रयोग एडवर्ब के रूप में नहीं होता है. अभी हमने पढ़ा ना कि पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में फार और लॉन्ग का प्रयोग एडवर्ब के रूप में नहीं होता है, और ये तीनों सेंटेंसेस में हम उनको एडवर्ब के रूप में देख रहे हैं, नहीं. तो अपने को अब एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एज, टू, सो और इनफ. कौन कौन से शब्द बोले मैंने? चार शब्द, एज, सो, टू, इनफ. इन चार शब्दों के साथ फार और लॉन्ग का प्रयोग पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में भी एडवर्ब के रूप में हो सकता है. हैव यू गॉट द पॉइंट? एज, सो, टू और इनफ. इन चार शब्दों के साथ पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में भी फार और लॉन्ग का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो सकता है. और चूंकि देखिए चारों सेंटेंसेस में, आप तीनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं, पहले सेंटेंस में सो लगा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में टू लगा हुआ है और तीसरे सेंटेंस में इनफ है, और इसलिए तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं. और इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ना. गॉट द पॉइंट? तो नीचे लिखिए आप, एज, एज, टू, सो और इनफ. एज, टू, सो, इनफ के साथ, एज, टू, सो, इनफ के साथ पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में भी फार ऑब्लिक लॉन्ग का प्रयोग, फार ऑब्लिक लॉन्ग का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो सकता है. एडवर्ब के रूप में हो सकता है. इज दैट राइट? समझ आ गया आपको? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ना. शुड वी प्रोसीड? ठीक है. ये इस तरह का क्वेश्चन, फार और लॉन्ग के क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस आरपीएससी के ग्रेड 2 के एग्जाम में लगातार दो कंसेक्यूटिव एग्जाम से पूछा हुआ है. एक के बाद एक दूसरे एग्जाम में, दो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है जहाँ इसका गलत यूज़ दिया हुआ था और आपको एरर स्पॉट करनी थी. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया.
कि फार का प्रयोग अगर आप पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में करें तो गलत है, सिवाय तब के कि उसमें एस टू सो और इनफ लगाओ। शुड यू प्रोसीड नाउ। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम ये दो शब्द टेकअप करते हैं, क्वाइट और राधर, क्वाइट और राधर, क्वाइट और राधर। देखिए मीनिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा कनोटेशन का डिफरेंस रहता है कि क्वाइट जो होता है वो किसी चीज़ को कहता है कि ये सफिशेंट है, ठीक है, इट्स ओके। और राधर जो होता है वो के कहता है चीज़ तो अच्छी है, अगर पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं तो अनयूजुअली गुड, सरप्राइजिंगली, आपने कभी सोचा नहीं था कि चीज़ इतनी अच्छी होगी, फिर भी वो चीज़ इतनी अच्छी होती है तो आप उसके लिए राधर यूज करते हैं। द मूवी वॉज राधर गुड, ठीक है, राधर गुड कह रहे हैं तो इसका मतलब आपने सोचा नहीं था कि मूवी अच्छी होगी, आप तो यूँ गए थे कि चलो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन वो आपको देखने पर अच्छी लगती है तो आप उसको राधर गुड कहते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं वो तो ठीक ही होगी तो आप क्वाइट गुड कहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस इन मीनिंग। तो इस तरह का मीनिंग का डिफरेंस जो है वो कॉम्पिटिशन में नहीं पूछता है, कॉम्पिटिशन में तो वो ये पूछते हैं गलत कहाँ होगा, क्योंकि वो एरर स्पॉट कराते हैं, मीनिंग स्पॉट नहीं कराते हैं, मीनिंग का सेंस नहीं लेते हो, वो तो क्या कहते हैं आपसे कि आप तो पहचाने की गलती कहाँ है, हैव यू गॉट द पॉइंट। तो हम मीनिंग वाला सेंस को असाइड कर देते हैं और हम स्ट्रक्चरल देखते हैं कि गलती कहाँ होती है, गॉट द पॉइंट, क्योंकि वहाँ तो एरर स्पॉट करवाते हैं हमसे। देखिए सेंटेंस क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट, द मूवी वॉच, यह मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इट वॉच ए क्वाइट गुड मूवी, इट वॉच ए क्वाइट गुड मूवी, इट वॉच क्वाइट ए गुड मूवी। See, it was a rather good movie. It was rather a good movie. The last option is none. So you have to find out the correct option. Okay? It was a quite good movie. It was quite a good movie. It was a rather good movie. It was rather a good movie. It was a quite good movie. It was quite a good movie. It was a rather good movie. It was rather a good movie. Chote chote sentences hai. Isn't that? कहीं कोई कॉम्प्लेक्स आपको डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी मीनिंग समझने में, शब्द के मीनिंग समझ, जो प्रॉब्लम आती है वो स्ट्रक्चर में, बाकी शब्द तो वही है जो हम परिचित हैं। तो देखिए पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में मैं आपकी हेल्प करता हूँ, जो डिफरेंस आपको नोट आ रहा नोट करना है वो इस ए की प्लेसिंग में, यही डिफरेंस है, बाकी तो दोनों सेंटेंस ए और बी ऑप्शन सेम है, सेम है ना। यहाँ सी और डी में जो डिफरेंस आप नोट करेंगे वो भी आर्टिकल की प्लेसिंग में, बाकी तो कोई अंतर नहीं, बाकी जगह तो आपको कुछ देखना ही नहीं। तो आपको तो ये जो चार मैंने अंडरलाइन कर दिए, आई एम सर्कलिंग, ये जो चार मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप तो यहाँ फोकस कीजिए कि गलती कहाँ है, ए क्वाइट गुड मूवी होता है या फिर क्वाइट ए गुड मूवी होता है, ए रादर गुड मूवी होता है या फिर रादर ए गुड मूवी होता है, विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है, थोड़ा सा देखिए आप सेंटेंसेस पर, देखिए अपना दिमाग लगाइए कि इट वॉज ए क्वाइट गुड मूवी और इट वॉज क्वाइट ए गुड मूवी, इट वॉज ए रादर गुड मूवी और इट वॉज रादर ए गुड मूवी, हाँ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको एक इनकरेक्ट है, तीन सही,
आपको तो देखना इनकरेक्ट कौन सा है, सी वाला, राइट। अच्छा, वो आपको इसलिए लग रहा है कि आपको लगता है कि रादर से पहले ए नहीं आता है, ए का प्रयोग रादर के बाद में ही होना चाहिए, एम आई राइट? आप यही सोच रहे हैं कि रादर के बाद में आना चाहिए जबकि आपने पहले यूज कर दिया, ठीक है। लेकिन होता यह है कि रादर के पहले या रादर के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन क्वाइट के हमेशा बाद में आता है, क्वाइट के पहले कभी नहीं आता। तो अब सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, ए वाला गलत है, बाकी तीन सही है। गॉट द पॉइंट? तो रादर और क्वाइट में डिफरेंस समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए नीचे आप। आर्टिकल का प्रयोग क्वाइट के बाद में ही करते हैं क्वाइट से पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत है क्वाइट से पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत है इज इट ओके शुड यू प्रोसीड नाउ चलो नेक्स्ट देखिए आप द सोफा वॉज रादर नाइसर क्वाइट नाइसर देन वी थॉट आपको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है द मील टुक रादर लॉन्गर क्वाइट लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड यहां भी आपको दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है द सोफा वॉज रादर नाइसर ऑब्लिक क्वाइट नाइसर देन वी थॉट द मील टुक रादर लॉन्गर क्वाइट लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड विच इज करेक्ट रादर नाइसर और क्वाइट नाइसर एंड द सेकेंड सेंटेंस Rather longer or quite longer? Well, see, actually देखिए आप यहाँ देख रहे हैं comparative degree है isn't that? Comparative degree है ना nice से nicer बना यहाँ पर भी देखिए long से longer comparative degree के साथ कभी भी quite का प्रयोग नहीं करते and therefore the correct option is rather nicer और rather longer तो note down कर लीजिए आप कंपेरेटिव डिग्री से पहले केवल रादर का प्रयोग किया जा सकता है न कि क्वाइट का कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्वाइट नहीं आता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज कर सकते हैं केवल आप रादर यूज कर सकते इज दैट राइट तो दो ही तरह के क्वेश्चंस वो क्वाइट और रादर के बारे में पूछते हैं एक तो आर्टिकल का यूज और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज शुड यू प्रोसीड नाउ प्रोसीड करें नेक्स्ट देखिए आप हम दो शब्द टेकअप करते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में खूब काम में लेते हैं टू और वेरी गॉट इट अब कई लोग ये कहते हैं कि सर टू का प्रयोग तो नेगेटिव होता है और वेरी का प्रयोग पॉजिटिव होता है ठीक है लेकिन अब नेगेटिव कैसे जैसे मैं अगर ये कहना चाहूं कि शी इज टू ब्यूटीफुल या शी इज वेरी ब्यूटीफुल
तो आपको क्या लगता है, इनमें से कोई सेंटेंस गलत है? शी इज टू ब्यूटीफुल या शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कोई सेंटेंस गलत है क्या? दोनों का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट गलत है। देखिए, आप कह सकते हैं शी इज टू ब्यूटीफुल, आप ये भी कह सकते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल। फर्क केवल आपका जो मीनिंग, जो सेंस कन्वे करना चाहते हैं उसका फर्क है। शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल आप पॉजिटिव वे में करें, इट्स प्रेज़वर्थी, अच्छी बात है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज टू ब्यूटीफुल यानी देन यू थिंक शी शुड, जितनी होनी चाहिए आपको उससे ज़्यादा लगती है, ठीक है, मोर देन नीडेड, मोर देन वॉट यू थिंक, मोर देन वॉट यू वॉन्ट, हैव यू गॉट द पॉइंट? तो टू का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में। और वेरी का प्रयोग किस सेंस में करते हैं? पॉजिटिव सेंस। जैसे मैंने कहा द वाटर इज टू हॉट, द वाटर इज टू हॉट, पानी बहुत गर्म है, मैं नहा नहीं सकता इसे, ठीक है। और सर्दियों का मौसम है और मैंने कहा द वाटर इज वेरी हॉट, तो फेवरेबल है, मैं आराम से नहा सकता हूँ, तो मैं वहाँ क्या यूज करूँ? वेरी हॉट। और जब मुझे लग रहा है कि दैट्स नॉट यूजफुल तो मैं क्या कहूँगा? टू हॉट। तो दोनों यूज कर सकते हो, टू हॉट मीन्स देन वॉट इज नीडेड, देन वॉट यू वॉन्ट, हैव यू गॉट द पॉइंट? और वेरी का प्रयोग किस लिए करते हैं? फेवरेबल सेंस में, कि ये अच्छी बात है कि पानी गर्म है। शी इज टू अगली, तो देखिए वो फेवरेबल और अनफेवरेबल की बात है, केवल वेरी का प्रयोग जो होता है वो फेवरेबल सेंस में होता है, और टू का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है? अनफेवरेबल सेंस में होता है। आप अगली के साथ यूज करें तो नेचुरल बात है कि वहाँ पर आप प्रीफर जब करना चाहेंगे तब टू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अगली सेंस के साथ, अगली तो किसी भी सेंस में वो नहीं है कि आप इतना चाहते हैं कि इतना तो अगली में चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ब्यूटीफुल के सेंस में ऐसा है कि वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो उस सेंस में आप इसे यूज करते हैं, हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ये तो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि टू जो है वो अनफेवरेबल सेंस में आता है और वेरी जो है फेवरेबल सेंस में आता है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों में से एक चूज करना होता है कई बार, और वहाँ पर आप क्या देखते हैं? सेंटेंस का सेंस देखते हैं कि सेंटेंस का सेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखो आप, द वेदर इज हॉट इन गोवा, परफेक्ट फॉर स्विमिंग। आपको टू और वेरी में से चूज करना है। द वेदर इज हॉट इन गोवा, परफेक्ट फॉर स्विमिंग। गोवा में वेदर जो है वो बहुत गर्म है, स्विमिंग के लिए परफेक्ट मौसम है, ठीक है, तो टू तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि फेवरेबल सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। टू होता तो क्या होता, वो अनफेवरेबल सेंस में हो जाता, और इसलिए अपन क्या चूज करेंगे इसमें? वेरी। द वेदर इन, द वेदर इज वेरी हॉट इन गोवा, परफेक्ट फॉर स्विमिंग, तो अपन वेरी चूज करेंगे ना कि टू? शुड वी प्रोसीड? चलो हम, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ही इज इंटेलिजेंट फॉर द क्लास, ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग। वही आपको टू और वेरी में से चूज करना। ही इज इंटेलिजेंट फॉर द क्लास, ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग। क्या यूज करेंगे? वेरी इंटेलिजेंट और टू इंटेलिजेंट? टू इंटेलिजेंट, ठीक है, वो क्लास के लिए टू इंटेलिजेंट है क्योंकि वहां आपको सीख नहीं पाता, जितना इंटेलिजेंस आपको इस क्लास के लिए चाहिए उससे ज्यादा उसके लिए, और इसलिए वो क्लास में कुछ सीखता नहीं, ही इज सिंपली वेस्टिंग हिज टाइम, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ऐसा कहते थे कि ही वॉज सिंपली वेस्टिंग हिज टाइम इन द क्लासेस, ठीक है, क्योंकि वो ही वॉज टू इंटेलिजेंट। गॉट द पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है कि इसमें वेरी नहीं आ सकता, इसमें केवल टू ही यूज करेंगे, राइट? चलिए लेट्स नेक्स्ट देखिए आप, इसमें अपने टू यूज किया। शी डजंट वॉन्ट टू मैरी हिम, she thinks
ही इज ओल्ड. फिर आपको टू और वेरी में से चूज करना है. शी डजेंट वॉन्ट टू मैरी हिम, शी थिंक्स ही इज ओल्ड. क्या यूज करेंगे अपन? आराम से देखिए, आप वेरी कर सकते हैं क्या इसमें? टू ओल्ड ही होगा ना, उसको लगता है कि वो बहुत जरूरत से ज्यादा एज का है और इसलिए उसे शादी नहीं करना चाहता. गॉट द पॉइंट? तो आपको टू और वेरी में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो दैट्स व्हाई वी विल यूज टू. इज दैट राइट? शुड वी प्रोसीड नाउ? चलिए नेक्स्ट देखिए. आप नेक्स्ट अपन टेकअप करते हैं. देखिए आप ये सेंटेंस देखिए. आप यू हैव कट ए टू शॉर्ट पीस. आई नो जस्ट एज क्विक अवे. आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज ए सो गुड आर्टिस्ट. क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है. विच इज करेक्ट? आपको इनमें से सही आंसर ढूंढना है. आई नो जस्ट एच क्विक अवे. मैं बहुत शॉर्ट रास्ता जानता हूँ, क्विक रास्ता जानता हूँ, जहाँ पर फुर्ती से वहाँ पहुँचा है. यू हैव कट अ टू शॉर्ट पीस. तुमने बहुत छोटा पीस काट लिया. आई नो जस्ट एच क्विक अवे. मैं बहुत जल्दी वाला रास्ता जानता हूँ जहाँ हम फुर्ती से पहुँच सकते हैं. एंड आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज ए सो गुड आर्टिस्ट. इतने अच्छे आर्टिस्ट की आलोचना करना मुझे अच्छा नहीं लगता है. आई डोंट लाइक. विच इज करेक्ट? ये कोई भी करेक्ट नहीं है. विच इज करेक्ट और कोई भी करेक्ट नहीं है. नहीं, सेंटेंस से देखिए. यू हैव कट अ टू शॉर्ट पीस. आपने बहुत छोटा पीस काट लिया. आई नो जस्ट एज क्विक अवे. मैं एक बहुत फुर्तीला रास्ता जानता हूँ. एंड आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज ए सो गुड आर्टिस्ट. मुझे अच्छा नहीं लगता इतने अच्छे आर्टिस्ट की निंदा की जाए, आलोचना की जाए. नहीं, चलो लेट्स सी. एक्चुअली देखिए ये अपन कर चुके हैं वैसे. टू एज सो हाउ. इन चारों शब्दों के बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, फिर आर्टिकल आता है और फिर नाउन आता है. ये अपने को ध्यान रखना है. देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये है कि ये मायने नहीं रखता है कि आपको रूल्स पता है या नहीं पता है. मायने ये रखता है कि आपने उसको पहचान लिया क्या. ठीक है, रूल भरे ही आपको रटा हुआ वो कि साहब ऐसा होता है, लेकिन सेंटेंस में आप पहचान नहीं पा रहे तो दैट इज यूजलेस. वो यूजलेस. ठीक है, टू एज सो हाउ के बाद पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आर्टिकल आएगा और फिर नाउन यूज आएगा. शुड यू प्रोसीड करें? अब आप देखिए इधर. देखिए आप, हमने देखिए यहाँ पर टू के पहले आर्टिकल यूज कर लिया, गलत हो गया. ठीक है, यू हैव कट टू शॉर्ट अ पीस होना चाहिए. सही क्या होना चाहिए था? टू शॉर्ट ए पीस होना चाहिए. गॉट द पॉइंट? सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू शॉर्ट ए पीस. सेकेंड सेंटेंस देखिए आप. आई नो एज क्विक ए वे. तो एज के बाद एडजेक्टिव यूज किया, फिर आर्टिकल यूज किया. दैट्स वाई द बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है. अगला देखिए आप. आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज. आपने ए सो कर दिया, विच इज रॉन्ग. आपको करना क्या चाहिए था?
सो गुड ए क्रिट सो गुड एन आर्टिस्ट सो गुड एन आर्टिस्ट इज दैट ओके शुड यू प्रोसीड नाउ चलिए नेक्स्ट देखिए अब ये सेंटेंस भी देखिए आप आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज सच गुड एन आर्टिस्ट आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज सच गुड एन आर्टिस्ट सच ए गुड आर्टिस्ट बिल्कुल सही बता रहे हो देखिए सच का प्रयोग करते हैं तो हम सच पहले लिखते हैं फिर उसके बाद में आर्टिकल यूज करते हैं फिर उसके बाद में एडजेक्टिव यूज करते हैं और उसके बाद में हम नाउन का प्रयोग करते हैं सच आर्टिकल तो अब इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ही? सच ए गुड आर्टिस्ट सही करेंगे तो क्या हो जाएगा सच ए गुड आर्टिस्ट Should we proceed now? Should we proceed? तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि टू एस सो और हाउ के साथ पहले एडजेक्टिव आता है और सच के साथ पहले आर्टिकल आता है ठीक डिफरेंस है ना आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज सच ए गुड आर्टिस्ट Is it okay? Should we proceed now? चलिए next देखिए Next हम take up करते हैं still. Still. देखिए positive. Declarative sentence में mid position पर आता है पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कहां आता है सेंटेंस में मिड पोजीशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी ये मिड पोजीशन पर आता है तो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो स्टिल कहां आएगा मिड पोजीशन ठीक है देखिए अपन जैसे लिखते हैं आई गॉट अ प्लेट आई गॉट अ प्लेट आई एम स्टिल हैविंग ब्रेकफास्ट आई गॉट अ प्लेट मैं देरी से उठा था I am still having breakfast. अभी नाश्ता कर रहा हूं मैं अभी भी नाश्ता कर रहा हूं I got up late. I am still having breakfast. मैं लेट उठा था मैं अभी भी नाश्ता कर रहा हूं Have you got the point? Mid position देखिए बीचों बीच आ रहा sentence के शुरू और अंत में नहीं आएगा Got it? अगर question interrogative हो जैसे Are you still waiting for her? तब भी मिड पोजिशन में आता है आर यू स्टिल वेटिंग फॉर हर आर यू स्टिल वेटिंग फॉर हर क्या अभी भी आप उसका इंतजार कर रहे हैं गॉट इट लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल का प्रयोग सरप्राइज के लिए किया जाना है कि आपको जो जानकारी है उससे आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं हुआ और नेगेटिव सेंटेंस में जब वैसे अमूमन करते नहीं है लेकिन अगर आप करते हैं सरप्राइज के सेंस में तो स्टिल का प्रयोग कंप्लीट वर्ब फ्रेज से पहले होता है वो मिड में नहीं होता वर्ब देखिए यहाँ पर दो वर्ब्स है एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है स्टिल कहाँ आ रहा है मिड में आ रहा है ठीक है
आप ये देखिए, एक वर्ब ये है, इंट्रोगेटिव बनाया इसलिए वो इससे पहले आ गया। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ये सारी वर्ब्स जितनी भी हैं उन सबसे पहले आएगा, यानी इससे पहले आ जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? ये प्लसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजिशन ऑफ एन एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एडवर्ब आप सेंटेंस में कहाँ रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है एडवर्ब का, वो उसकी पोजिशन पर डिपेंड करता है कि एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ रखा हुआ है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी बनते हैं वो सारे इसके जगह से, कौन सी जगह पर सेंटेंस भी आ रहा है। हैव यू गॉट द पॉइंट? शुड वी प्रोसीड नाउ? तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, आप द चिल्ड्रन हैज स्टिल नॉट लर्न टू रीड। The children still has not learned to read. The children has not still learned to read. The children has not learnt still to read. Question है, which is correct? इनमें सही option कौन सा है? That's important. ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है इस समझ में आ गया आपको? ये चिल्ड्रन नहीं है, चाइल्ड है। चिल्ड्रन करेंगे तो वर्ब हमें प्लूरल करना पड़ेगा, तो आप चाइल्ड कर लो। आपने भी ध्यान नहीं दिया, चिल्ड्रन के साथ तो हैव आना चाहिए। द चाइल्ड हैज स्टिल नॉट लर्न टू रीड। द चाइल्ड स्टिल हैज नॉट लर्न टू रीड। The child has not still learned to read. The child has not learned still to read. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने देखे पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज है, आपने इससे पहले यूज किया है। तो एक लाइन नीचे लिख लीजिए बाप, स्टिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, स्टिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कंप्लीट वर्ब फ्रेज से कंप्लीट वर्ब फ्रेज से पहले होता है कंप्लीट वर्ब फ्रेज से पहले होता है। स्टिल का प्रयोग सेंटेंस में कंप्लीट वर्ब फ्रेज से पहले होता है। शुड यू प्रोसीड नाउ? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए बाप, येट। इसकी हमेशा एंड पोजीशन होती है, ये सामान्यतः सेंटेंस के अंत में ही आता है। आई गॉट अ प्लेट, आई हैवंट taken breakfast yet. Have you replied? To that letter yet? Got it? ठीक है, देखिए, आई गॉट अ प्लेट, आई हैवन्ट टेकन ब्रेकफास्ट येट, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। हैव यू रिप्लाइड टू दैट लेटर येट? तो दोनों ही सेंटेंसेस में कहाँ आ रहा है? ये लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो एक लाइन नीचे लिख लीजिए, येट का प्रयोग क्लोज के अंत में किया जाता है। येट का प्रयोग क्लोज के अंत में किया जाता है।
यट का प्रयोग क्लोज के अंत में किया जाता है. ओके, शुड वी प्रोसीड नाउ? चलिए अब अपन इसके बाद नेक्स्ट चेकअप करते हैं. ऑलरेडी आई गॉट अप अर्ली. I have already taken breakfast. I got up early. I have already taken breakfast. ठीक है, तो already कहाँ था sentence में? Mid position. ये sentence में हमेशा mid position में आता है. ओके, शुड वी प्रोसीड नाउ? चलिए नेक्स्ट टेकअप कर. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ. स्टिल जो होता है सेंटेंस में मिड पोजीशन में आता है, केवल नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल प्लस वर्ब फ्रेज रहता है. ये एक्सेप्शन होता है, बाकी ये मिड पोजीशन में आता है. येट एंड पोजीशन में आता है, और ऑलरेडी मिड पोजीशन में आता है. बस ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है इन तीनों शब्दों के बारे में. मिड स्टिल मिड पोजीशन में आता है, केवल नेगेटिव में वर्ब फ्रेज से पहले आता है. राइट, येट हमेशा एंड पोजीशन में आता है, और ऑलरेडी हमेशा मिड पोजीशन में आता है. छोड़ी प्रसिद्ध ना, प्रसिद्ध करें. चलिए नेक्स्ट लिखिए बा. दो एडवर्ब्स, एक वेरी है और एक मच है. वेरी और मच. आई लाइक दिस टाउन. मच या मैं ब्लैंक देता हूं यहां पर. I like this town much, very much, very. I like this town much, very much, very, or cross. B कर दे या कुछ और? दोनों गलत हो तो फिर क्रॉस हो ही जाएगा. तीनों ऑप्शंस गलत है तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन. आई डोंट लाइक दिस टाउन मच, वेरी मच, सी में ए या बी दोनों, और डी में नन. सी का मतलब समझ रहे ना कि ए और बी दोनों आ सकते हैं. सी आएगा, अरिश और देखिए एक्चुअली क्या है. अगर हम इन दोनों शब्दों में अंतर देखते हैं ना, वेरी मच और मच और वेरी में, तो डिफरेंस मोटा सा ये होता है कि वेरी का प्रयोग जो होता है वो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होता है. सॉरी, मैंने देखे ऑप्शंस यहां जो लिखे थे वो गलत लिखे हैं. ये दो ऑप्शंस है, वेरी मच और केवल मच. वेरी नहीं है, वेरी मच और मच है. तो वेरी मच का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है,
और पॉजिटिव सेंटेंस में भी हो सकता है। दोनों में हो सकता है। और मच का प्रयोग हम सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो जब पॉजिटिव है तो केवल क्या आएगा? वेरी मच। और नेगेटिव है तो फिर दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि तो नेगेटिव में ये भी आता है और नेगेटिव में ये भी आता है। इस सेंटेंस में चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए क्या यूज करेंगे अपन? वेरी मच, आई लाइक दिस टाउन वेरी मच। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखिए। आप ये सेंटेंस देखिए, आई डोंट लाइक दिस टाउन नेगेटिव है इसलिए क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएंगे। I don't like this town much. I don't like this town very much. Got the difference? अब इसके लिए क्या है कि कुछ ऐसी verbs हैं जिनके साथ आप positive में भी much का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे admire, appreciate, regret, enjoy, etc. इनके साथ पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी मच आ सकता है। इनके साथ पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी मच आ सकता है। एडमायर, अप्रिसिएट, रिग्रेट, इंजॉय, इनके साथ पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तब भी आप मच का प्रयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस में भी मच का प्रयोग कर सकते हैं। छोटी प्रोसेस। अब देखो एक चीज समझिएगा आप कि अगर हमें पता चला कि जैसे इनके साथ तो पॉजिटिव डेक्लेरेटिव में भी मच आ जाएगा और इनके साथ बाकी के साथ हम करें जैसे लाइक के साथ तो केवल नेगेटिव या इंट्रेगेटिव में मच आता है, तो हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इनके साथ तो केवल पॉजिटिव डेक्लेरेटिव में भी आ रहा है, तो हमें कैसा पता चलेगा कौन सी वर्ब के साथ पॉजिटिव डेक्लेरेटिव में भी आता है और कौन सी के साथ नहीं आता? तो ये तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति होगी ना। इस कन्फ्यूजन से निपटने का तरीका ये है कि सेफर साइड में रहने के लिए, सेफर साइड में जब आप रहना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप वेरी मच को प्रीफर करें, राइट? और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरगेटिव है तो आप मच यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप हमेशा क्या यूज करना प्रीफर करें? वेरी मच, ताकि उसमें कोई गलती नहीं होगी। गॉट इट?